आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि रावण ने वो कौन सी स्वर्ग की सीढ़ियां बनाई जहां पर वो असुरों को ही नहीं पहुंचा पाए। रावण एक प्रकांड विद्वान उच्च कोटि का ज्योतिषी शास्त्री था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और कई बार शिवजी जी को प्रश्न कर उसने सिद्धियां प्राप्त की थी। कहते हैं पहली बार जब उसके मन में अमर होने का ख्याल आया था तो उसने भोलेनाथ को प्रश्न कर अमरता प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। रावण ने वरदान में अमरता देने की प्रार्थना की। वहीं भगवान शिव ने उसे ततास्तु कहा, लेकिन इसके साथ ही ये शर्त रखी कि उसे अमरता तभी मिलेगी जब वो एक दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कराएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो भगवान शिव का ये वरदान भी निरस्त हो जाएगा। रावण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, उसे ये बहुत आसान लगा। इस तरह उसने अपनी अमरता पाने के लिए पौड़ियों का निर्माण करते हुए स्वर्ग तक की सीढ़ी बनानी शुरू की। पहली पौड़ी उसने हरिद्वार में बनाई जो हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरी पौड़ी उसने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 600 किलोमीटर दूर बनाई जिसे आज पौड़ीवाला मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरी पौड़ी उसने चूड़ेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी उसने किन्नर कैलाश में बनाई। वहीं कहते हैं इन 4 पौड़ियों का निर्माण होते होते रात हो गई और रावण थकान दूर करने के मकसद से थोड़ी देर लेटा, लेकिन वो सो गया और जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। इस तरह वो स्वर्ग तक की सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका। यही कारण था कि वो ना तो अमरता प्राप्त कर सका और ना ही असुरों को पाप पुण्य का लेखा जोखा सम्मान किए बिना ही स्वर्ग तक पहुंचा सका। राम के हाथों बाण खाकर जीवन की अंतिम सांसें गिनते हुए रावण ने स्वयं ये बात बताई थी कि ये उसके मैनेजमेंट की गलती है। बिना जरूरी काम पूरा किए बिना कभी भी आराम नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वाला हमेशा ही गत्र में जाता है। उसके साथ हुआ ऐसा ही। वही यही कारण माना जाता है कि रावण आखिरकार राम के हाथों से मर गया। रावण की कमजोरी नाभि बन गई और इस तरह से रावण को मार दिया गया। वरना कहा जाता है कि रावण बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। वहीं पर रावण को जब शिवजी भगवान ने ये काम सौंपा तो रावण आलस्य के मारे सो गया। उसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया जिसके चलते उसकी नाभि कमजोर हो गई और आखिरकार वो राम जी के हाथों मारे गए। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।